हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यट अनदर एपिसोड ऑफ दैट कुमाऊनी नारी चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम जा रहे हैं सोना कुंड। आज हमने छोटा सा गेटअवे करा है कि हम जल्दी से हमारे ऑफिस के पास की लोकेशन है तो हम वहां जाएंगे और स्नान करके अपने अपने घर चले जाएंगे क्योंकि आज है पहला नवरात्रा भी। तो हमें किसी ने बताया कि सोना कुंड में ना स्किन से रिलेटेड जिसको किसी को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जाने से ना काफी आराम मिलता है, काफी रिलीफ होता है। अगर इन केस आपको किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के बाद आप जा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि पूरी डिटेल इसमें डालूं। तो चलते हैं हम सोना कुंड। गाइस, हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। अब बस हमें मंदिर ढूंढना है कि कहां पर है क्योंकि अभी सुबह हो रही है तो कोई है नहीं। ये है तीतर। भाई किसी को रास्ता नहीं पता सिर्फ उपदेश के अलावा। उपदेश रुक जाओ भाई। पूरी एरिया इतना सुनसान है, आप क्यों नाराज हो? इतनी अंदर गलियों में जाके बना हुआ है। दिक्कत थी आपको इसलिए आए हो? लेडीज थी हमारी वो जो उधर दिखाने आए थे। अच्छा, हमने सोचा जब वहाँ ना रहे हैं तो तुम भी ना रहे तो इसलिए ना। उसकी नसों का जो है वो नसें बंद थी। हो जाती है नसें ठीक हो जाती हैं यहाँ? कुछ डॉक्टर कोई यहाँ पे पुजारी उजारी उनको दिखाया है? कहाँ कहाँ बैठते हैं? इधर रहते हैं, थोड़ा सा पता चला। तो आप कल क्या आए हुए हो? कल क्या आए हुए? अच्छा, यहाँ पे अभी आए नहाने के लिए। तो आपको सुबह नहाने के लिए बुलाऊंगा ना? हाँ, नहीं बोला कि अपनी मर्जी से आ गई अपने नहाने। तो उन्होंने कुछ वो दी है, दवाई वाई दी थी कुछ? वो तो दवाई वाई दी थी घर वाले। अच्छा अच्छा, अब जब पब्लिक नहा रही मगा तुम भी नहा लो ना। ठीक है, और क्या? तो ये टिकट का प्राइस है 5 रुपए और ये सामने है बात करने के लिए, एक मेल के लिए इधर है, फीमेल के लिए इधर है। और इसके अंदर ना गर्म पानी आ रहा है, हम अभी देख के आए हैं। तो यहाँ पे यूजुअली ना स्किन से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती है ना वो लोग आते हैं। और किसी ने उनको रिकमेंड भी किया है कि इन अंकल को कि अगर उनकी शायद नसों वसों में भी प्रॉब्लम है तो इसीलिए उनको ऐसा हुआ है। यहाँ पे सारे नारे पहले ना ये ऑप्शन होता था
चूंकि ना इन्होंने बंद कर दिया है। अभी ना हमने थोड़े से चेंजेस करे, पहले 5 रुपए की पर्ची ली थी हम लोगों ने और वहां ना सकते, बट इसमें हमें लोगों को अभी बताया कि ना 50 रुपए की पर्ची में 5 लोग ना सकते हैं, वो भी 10-10 मिनट के लिए, 20 मिनट ईच मिलेगा 2 लोगों को। तो अब हम वहाँ जाएंगे प्राइवेट। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर जो 50 रुपए का जो प्राइवेट रूम है बात है यहाँ पर, उसमें 5 लोगों के लिए है वो जो 50 रुपए का है, उसमें 20 मिनट मिलेंगे आपको, 20 मिनट 10 मिनट जेंट्स के लिए, जितने भी मेम्बर हैं आप टोटल 20 मिनट मिलते हैं, वो आप अपना स्नान कर सकते हैं उसी में। कैसा लगा ना आके तुमको? वैसे तो अच्छा लगा, और रोग ठीक करने तो आया था, पर ये रेड रेड हो गई है पीछे बैक ना, थोड़ा डर सा लग रहा है, जलन सी हो रही है, बहुत बहुत गर्म था, बॉडी में टेम्परेचर जो था ना उसका पानी का बहुत हॉट था। बहुत मजा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बॉडी आपकी रिलैक्स हो गई, बट थोड़ा टाइम लेके एकदम, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दबाजी में अगर आप करेंगे तो बॉडी जल जाएगी, हाँ जल जाएगी, इंस्टेंट रिलीफ मिला है, इसकी स्किन ना डेड स्किन ना पील ऑफ होने लग गई है। तो ना ये प्राइवेट कुंड है, इसमें ऐसा कैबिन जैसा मिला हुआ है, तो ये पे नाना, और ये बहुत गर्म है, पर ना आपको हैंगर मिलेंगे जहाँ पे आप अपने कपड़े टांग सकते हैं, फटाफट से नहाते और निकलते क्योंकि बहुत गर्म है। इसके बाद a few moments later बहुत ना अच्छा लग रहा है नहा के ना, पानी हालांकि उतना ही गर्म है जितना नहाते, बट कुछ तो फर्क है पानी में जो नहाने के बाद ना अच्छा सा लग रहा है। अब देखते हैं कि ये जो हो रहा है ना मुझे इसमें कितना फर्क आता है। मैं प्रसाद घर से बना के लाया हूँ। ये क्या है, पेड़े बनाए हैं अब वहां चढ़ाओ। तो अभी हम सब लोगों का स्नान हो गया है और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर की ओर, बच गए हैं 7:45। अब आगे हमने रेस्ट भी करना है, शाम को शिफ्ट में आना है। ये आसपास छोटी सी शॉप है और ये कचौड़ी की दुकान है, आए और जरूर। ओह सौगी होगी सब्जी, थोड़ी तेज है मल्टी मत आए। तो हम लोगों ने स्नान कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर की और, बज गए हैं 8। आसपास के एरिया की ना शॉप्स भी खुल गई हैं, अभी हमने वहाँ से कचौड़ी खाई क्योंकि बहुत टेस्टी थी। अब हम लोगों को जाना है मेट्रो स्टेशन क्योंकि हमने पकड़नी है मेट्रो, दिल्ली जाना है और फिर शाम को वापस ऑफिस आना है, और ये रहे लोग आगे जा रहे हैं। सरिता कैसा लगा तुम्हें आज? हाँ तो ये ना लोकेशन है इस स्कूल के इस अपोजिट साइड गली में, अंदर जाके है ये कौन, आप किसी से भी पूछोगे ना मिल जाएगा इसलिए क्योंकि zigzag करके बना हुआ है। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये GGSS सोना स्कूल है इसके अपोजिट। तो ये खड़ी हमारी गाड़ी और अब हम जा रहे हैं, कहीं किसी का पर्स टंग गया है यहाँ पे। क्या ये दिखाओ, पेंसिल बॉक्स। ओ सबके लिए अलग अलग है, अपने बच्चों के लिए रहा पेंसिल शॉप करनी है। ओ नाइस, इधर काला देना है ना उनके लिए, इधर। ओ इधर है इसमें, हां कागज ही तो काटने हैं, कागज काटने के लिए बहुत है यार। गाइस आप लोगों को कैसा लगा? बहुत एनर्जेटिक था एकदम ना, अच्छा सा हो गया, रिफ्रेशिंग सा। अब हम घर जा रहे हैं,
अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है ना। हाँ आप लोगों ने तो पूजा वूजा भी कर ली, मेरे पास तो पैसे मैंने ही नहीं थे। दिए भी जलाए, मुझे बहुत खुशी मिली। हनुमान जी भी वहीं पे थे। तो हम जा रहे हैं घर, उसके बाद हमें पकड़नी है मेट्रो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नियरेस्ट हमारा इफ्को पड़ जाएगा, एमजी रोड। आंटी ने ना गाड़ी ठोक दी गाइस, इन आंटी ने ना गाड़ी ठोक दी है। बस अब लग गया ट्रैफिक जाम यहाँ पे गुड़गांव के सड़क। गाड़ी से उतर कर रिक्शे में बैठ गए और अभी मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं मेट्रो लेने के लिए। गुड़गांव अभी खत्म नहीं हो पा रहा है हमारा, घर पहुँचने में पता नहीं कितना बच जाएगा, और 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट रहेंगे। मेरी तरह आप लोगों के मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि हम लोग आज यहाँ क्यों गए। मेरे ना बॉडी में वाइट पैचेस हैं, मुझे विटिलिगो की प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, एलोपैथिक होम्योपैथिक, जब तक मैं दवाइयाँ खाती थी ना तब तक ही आराम रहता था, बट मुझे कभी इसका ना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। और कहते हैं कि विटिलिगो का और लिगोडर्मा का ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं, बट मुझे किसी ने बताया था बचपन में भी, और अभी मेरे ऑफिस में एक लेडी है उसी ने मुझे रिकमेंड किया कि सोना कुंड में जाके नहाने के लिए। तो सुनने में आता है कि ये जो कुंड है ना, इसके पानी में नहाने से चर्म रोग, शरीर के रोग, शरीर में होने वाले कई प्रकार के जो कष्ट होते हैं जैसे बदन दर्द और तरह की पीड़ा ना, वो दूर हो जाती है। और यहाँ पे सुनने में आया था कि 1900 में ना केशवानंद महाराज जी ने ना इस मंदिर के ना गुंबद पर कुछ धातु का कलश रखा था, तो शायद उसकी मान्यता है। मुझे हालांकि ये नहीं पता कि ये कितना सच्चा कितना नहीं, बट आज मैंने पहली बार स्नान किया तो मुझे नहा के तो बहुत अच्छा लगा, कुछ गर्म पानी था तो काफ़ी रिलैक्सिंग था। ओके, इस मंदिर में ना नहाने के ना दो ऑप्शन है, 5 रुपये का जो कि यहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं, और 50 रुपये में 5 लोग हैं जिनको 20 मिनट मिलते हैं, 5 लोगों को उसी 20 मिनट में नहाना होता है। आप 1-on-1 करके नहा लो या एक साथ नहा लो, तो उस कैबिन में आप अपने आप ही लोग रहोगे और कोई नहीं होता, तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मैंने देखा था जो काफ़ी दिन से ना रुके हुए थे, कोई कोई ना आसपास में जो वैद्य है ना उन्होंने भी वहाँ पे लोगों को ना स्टे करवा रखा था, दवाई तो दी थी और वहाँ पे रिकमेंड किया था कि वहाँ पे नहाए तो जिनसे कि ना उनके शरीर में होने वाले कई प्रकार के ना कष्टों में आराम मिलेगा। भाई नो डाउट वहाँ पे ना गर्म पानी था और बहुत रिलैक्सिंग था नहाने से। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके शरीर में कष्ट है तो आप उन्हें ज़रूर बताएं, और हम ये आशा कर सकते हैं कि ज़रूर उस पर कृपा हो और उनके शरीरों के कष्ट हर लिए जाएं इस पानी से। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर